सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DSE और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1,00,000 स्टूडेंट्स को 10-10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें, बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विथ इंस्पायर अवार्ड्स मानक। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। बच्चों, आज की इस पाठ चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आशा करती हूँ आप इस महामारी के बीच अपने आप को स्वस्थ रखे हुए होंगे, मास्क लगा के निकलते होंगे, बार बार हाथों की धुलाई करते होंगे, और अभी क्लास में आप जो बैठे हैं निश्चित रूप से 2 गज की दूरी बनाकर रखा होगा आपने। मैंने आप लोगों का स्वागत इसलिए भी किया कि आज आपके साथ दसम वर्ग में भूगोल की हमारे आपके ये पहली पाठ चर्चा है। दसवें वर्ग में जाने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही टेंशन भी होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही पढ़ाई का प्रेशर लेना है, क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं पढ़ाई करनी है। हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के द्वारा आपको पता चलेगा कि आप तो ये सारी बातें पहले से ही जानते हैं, इसलिए कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलिए, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि आप लोग आज स्कूल कैसे आए? कैसे आए से मेरा मतलब, कुछ लोग पैदल चल के आए,
कुछ लोग साइकिल से आए, किन्हीं को पपिता जी ने मोटरसाइकिल से छोड़ा होगा, वगैरह वगैरह। तो जब हम आते हैं पैदल, वो ज़्यादा कष्टकारक होता है, उससे ज़्यादा सुविधाजनक जब साइकिल से चला आते हैं, उससे ज़्यादा सुविधाजनक जब हम मोटरसाइकिल से आते हैं। तो ये हमारी सुविधा में देख रहे हैं हम, धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही है। आइए बच्चों, अब हम एक गेम खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं, और खेल हमारा ये होगा कि हमारे क्लासरूम के आसपास, क्लासरूम के अंदर बाहर जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम उसकी एक सूची बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। तो चलिए आप अपना कलम और कॉपी निकाल लें और सूची बनाएं, और मैं भी आपके साथ साथ यहाँ एक लिस्ट बनाती हूँ, एक सूची तैयार करती हूँ। तैयार? की लिस्ट तैयार हो गई। चलिए, आपने ज़रूर लिखा होगा कपड़ा जो आपने पहना है, स्वेटर, आपके सामने आपकी पुस्तक है, आपकी कॉपी, पेन, बैग में आप सामान लेकर आए हैं, बेंच पर बैठे हैं, कुछ बच्चे दरी पर भी बैठे होंगे, कुर्सी है सामने में, टेबल है, ये आपके स्कूल की बिल्डिंग है, ये खिड़की है, ये मिट्टी, भूमि, बादल, ये सब आपकी लिस्ट में शामिल होगा। आपके टीचर जो अभी आपके वर्ग कक्ष में उपस्थित है, आपके क्लासरूम के बाहर जो घास दिख रहा है, जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, फूल खिले हुए हैं, ये सब आपकी लिस्ट में मैं उम्मीद करती हूँ कि शामिल होगा। इससे भी ज़्यादा होगा, आप खा के आए हैं, किसी ने चावल खाया, किसी ने चूड़ा खाया, किसी ने दूध पिया होगा, तो ये सब आपकी सूची में शामिल होगा। अब आपकी ये सूची तो काफ़ी लंबी हो गई भाई। देखिए, मैंने भी एक सूची बनाया है, आप देख सकते हैं, मेरी सूची को मैंने दो कॉलम्स में बनाया है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ठीक है। आप जब हमारे पहले कॉलम के में मैंने जिन चीज़ों के नाम लिखे हैं आप देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा। और क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इन चीज़ों को हम एक शीर्षक देंगे और इन्हें हम भौतिक पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें सूरज की रोशनी है, मिट्टी है, भूमि है, तो क्या हम इन्हें भौतिक पदार्थ कह सकते हैं? सही, कह सकते हैं। अब आपने पहले सूची की बात सुन ली, अब हम लोग दूसरे जो कॉलम है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरे कॉलम में आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ों का नाम है। हम देख रहे हैं कि हमने लिखा है पेड़ पौधा चिड़िया, वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ हमारे भोज्य पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं, है ना, वैसा कुछ। तो ये सब क्या है? ये सब वैसा है जो हमें जीव जगत से प्राप्त होता है, वनस्पति या पादप जगत से प्राप्त होता है, तो हम इनको कह सकते हैं जैव पदार्थ। सही, सहमत है आप मेरी बातों से? जब हम भूगोल के संदर्भ में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये जिन चीज़ों की हमने अभी चर्चा की, जैव पदार्थ, अजैव पदार्थ, वो हमारे लिए भूगोल के संदर्भ में एक संसाधन है। संसाधन क्यों है? क्योंकि ये हमारे किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है। ये चाहे खनिज हो, चाहे भूमि हो, चाहे मृदा हो, या जल, वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, या स्वयं मानव। मानव स्वयं भी एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जैसे अभी आप और हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो हम स्वयं मानव भी एक संसाधन है। बिल्कुल सही बात, यहाँ तक सबको स्पष्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सारी बातें समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ये पर्यावरण के समस्त जो पदार्थ जिनकी हमने चर्चा की वो हमारे लिए उपयोगी हैं और इसलिए हमारे लिए संसाधन है। लेकिन जब हम थोड़ा और यदि विचार करें तो हम ये पाएंगे कि ये जैव और अजैव पदार्थ अपने आप में ही उपयोगी नहीं बन जाते। मतलब यदि हम उदाहरण ले तो मिट्टी स्वयं हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मिट्टी उपजाऊ जब है और मनुष्य ने उसे जुताई किया, उसमें बीज डाला, उसकी सिंचाई की, यानी मनुष्य ने तकनीक का इस्तेमाल किया, तब जाकर के
वो उपजाऊ मिट्टी हमारे लिए एक संसाधन बन गई। क्लियर? जब हम यहाँ तकनीक की बात करते हैं तो हम और पूर्व की चर्चा जरा कर लें। हम जानते हैं कि आदि मानव क्या था, उसने भी तकनीक का इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? उसने पत्थरों को नुकीला बनाया, और उन नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किस लिए कहा किया? बिल्कुल सही, उन नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल आदि मानव ने किया शिकार करने के लिए। और क्या किया इन पत्थरों से? कैसी तकनीक लगाई? इन पत्थरों को आपस में टकराकर बच्चों आदि मानव ने आग पैदा किया। फिर क्या किया? उस आग में उसने मांस को भूनकर खाना शुरू किया। और फिर आदि मानव ने क्या तकनीक लगाई? बीजों को लिया, उसे मसला और ज़मीन पर यूं ही छींट दिया, बिखेर दिया। उससे जब उसने देखा कि अरे ये ठीक उसी के जैसे पौधे निकल गए, तो आदि मानव ने क्या सीखा इससे? आदि मानव ने सीखा फसल उगाना। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा ये छोटा छोटा जो ज्ञान है, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में नित्य दिन सीखते रहते हैं, वो ज्ञान ही तकनीक है। और क्रमशः इन्हीं तकनीकों को सीखते सीखते आदि मानव, जो कल का आदि मानव था, वो आज का क्या बन गया? ज्ञानी मानव बन गया। तो अब हमने तकनीक की बात समझ ली, ठीक है? आप बच्चों, कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि पहले ये सारे संसाधन आए कि पहले मनुष्य आया? थोड़ी चर्चा इस पे भी कर लेते हैं। आपको पता है आज से 50 से 70 लाख वर्ष पूर्व प्रथम आदि मानव ने कहाँ कदम रखा था? ये 50 से 70 लाख वर्ष पूर्व प्रथम आदि मानव जो था वो अफ्रीका में आया था। लेकिन उससे करोड़ों वर्ष पहले लौह अयस्क पृथ्वी पर बन गए थे। उससे लाखों वर्ष पहले कोयला, खनिज तेल, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, समतल भूभाग, उपजाऊ मिट्टी इस धरती पर मौजूद थे। फिर क्यों आदि मानव को गुफाओं में रहने की ज़रूरत पड़ी? फिर क्यों आदि मानव को कच्चा मांस खाने की ज़रूरत पड़ी? फिर क्यों आदि मानव को पैदल लंबी लंबी दूरियाँ, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि आदि मानव पैदल चलते चलते एक महादेश से दूसरे महादेश तक चले गए। संसाधन तो थे लेकिन आदि मानव ने उनका उपयोग नहीं किया। जरा सोचने वाली बात है कि नहीं कि आखिर ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था बच्चों क्योंकि आदि मानव के पास उस समय वो तकनीक नहीं थी। आदि मानव को उस समय इन चीज़ों की उपयोगिता के बारे में ज्ञान नहीं था। आज जिस पेट्रोलियम के लिए, आज जिस कोयले के लिए, आज जिस लौह अयस्क के लिए पूरे दुनिया में एक मॉडर्न तरीके का, एक नए तरीके का उपनिवेशवाद चल रहा है, इन संसाधनों के बारे में मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं था। जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इतिहासकार और जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने जो खोजे की उससे ये पता चला कि ईसा से 2000 वर्ष पूर्व अनातोलिया में पहली बार लोहा बनाने का प्रमाण है। हमारे खुद के देश भारत में ईसा से 1600 वर्ष पूर्व लौह बनाने का प्रमाण मिला है। लेकिन लोहा तो उससे लाखों करोड़ों वर्ष पहले यहाँ मौजूद था, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने उसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था। 1776 ईस्वी से पूर्व, जबकि स्कॉटिश, जो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? जेम्स वॉट। आप लोग सभी परिचित हैं, ये भी जानते हैं कि जेम्स वॉट ने क्या किया था? भाप शक्ति का आविष्कार किया। तो ये भाप कोयले से बनाया गया था, तो कोयले के महत्व के बारे में भी मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं था। उसकी असीम ऊर्जा शक्ति का ज्ञान मनुष्य को नहीं था। 1875 से पहले, जबकि यूएसए में पेट्रोलियम के महत्व का, पेट्रोलियम की खोज की गई, उसके पहले तक ये, जिसे हम लोग आजकल तरल सोना के नाम से जानते हैं, इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ये मनुष्य के लिए महत्वहीन था।
उसका उसके लिए कोई मायने नहीं था, कोई आर्थिक महत्व नहीं था, कोई संसाधनीय मूल्य उसका नहीं था, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सब कुछ तब हुआ जब मनुष्य ने उस तकनीक का विकास किया, जब मनुष्य ने अपने ज्ञान का विकास किया और उनको धीरे 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 इन संसाधनों के, इन पदार्थों के, हम संसाधन ना कहें यहाँ पर, इन पदार्थों के महत्व का पता चला, उनके आर्थिक मूल्य का पता चला और ये जो पदार्थ थे वो संसाधन बनते चले गए। है क्लियर? चलिए बच्चों, अब आप समझ ही गए कि संसाधन क्या होता है, संसाधन क्या है, और किसी भी इस पदार्थ के जो इस पर्यावरण में, जो इस वातावरण में पाया जाता है, उसका संसाधन में परिवर्तित होना तकनीक के माध्यम से ही होता है। तकनीक बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ पर हम उद्धृत करना चाहेंगे प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था एरिक वाल्टर जिमरमैन। आपके पुस्तक में भी इसकी चर्चा है, उनके इस कथन की चर्चा की गई है। उन्होंने लिखा था कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। चलिए बच्चों, तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि संसाधन क्या है, हमने ये समझ लिया कि कोई भी पदार्थ संसाधन किन परिस्थितियों में बनता है, कब बनता है, जबकि उसमें तकनीक लगाया जाए। तकनीक क्या है ये भी हमने जान लिया। अब हम ये समझते हैं कि कैसे उपयोगी बन पाते हैं, क्या अंतःक्रिया होती है, क्या मनुष्य अपने आप में कर सकता है, क्या पर्यावरण अपने आप में कर सकता है, क्या तकनीकें अपने आप में पर्याप्त हैं कि किसी पदार्थ को संसाधन में बदल लें। तो हम लोग अभी इस पर चर्चा करेंगे कि जब मनुष्य भौतिक पर्यावरण के साथ यथोचित तकनीक, यानी जो तकनीक उचित हो उस पर्यावरण के, उस पदार्थ को विकसित करने के लिए, तो इसीलिए कहते हैं यथोचित तकनीक की सहायता से उपयुक्त संस्थागत माध्यम से। उपयुक्त संस्थागत माध्यम, आपने नागरिक शास्त्र में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ बहुत तरह की संस्थाएं हैं, समाज, परिवार, ये सब भी एक संस्था ही आती है, और बाकी सारे बहुत तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो इसीलिए वो संस्थागत, कौन सी संस्था वहाँ पे काम करेगी, कौन सी संस्था उपयुक्त होगी, इसीलिए कहा गया है कि उपयुक्त संस्थागत माध्यम से अंतःक्रिया करें। अंतःक्रिया मतलब उसके बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए, ठीक है? तब क्या होगा, पर्यावरण का कोई भी पदार्थ, जब इन तीन बातें शामिल होंगी, पहला क्या, पर्यावरण यानी फिजिकल इन्वायरमेंट जो हमारा है, दूसरा क्या, दूसरा क्या, तकनीक, और तीसरा, तीसरा क्या, संस्थाएं, और इन सब के बीच में, इन तीनों के बीच में क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया, इंटरैक्शन होना चाहिए। और ये इंटरैक्शन कौन करेगा, मनुष्य। तो मनुष्य के द्वारा जब ये इंटरैक्शन हो तभी कोई भी पदार्थ संसाधन बनेगा। तो चलिए बच्चों, अभी हम अंतःक्रिया की बात कर रहे थे, चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जब वातावरण, पर्यावरण, एनवायरनमेंट में मौजूद पदार्थों का यथोचित तकनीक से मानव संस्थाओं के माध्यम से अंतःक्रिया करता है, यानी ये अंतःक्रिया किसके बीच हुई, पर्यावरण के बीच, तकनीक की मदद से, संस्थाओं के द्वारा, और ये तीनों के बीच ये अंतः संबंध, ये अंतःक्रिया कर कौन रहा है, तो ये मानव कर रहा है। मानव इस अंतःक्रिया के मूल बिंदु में, केंद्र बिंदु में है, और तब जाकर के पर्यावरण का कोई भी पदार्थ क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। तो अब मैं मानूं कि ये आपको स्पष्ट है, चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझते हैं। माना कि पर्यावरण में हमें उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है, ठीक है? पर्यावरण में क्या है, उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है। ये मिट्टी अपने आप में संसाधन नहीं है, ये संसाधन तब होगी जब क्या करेंगे, हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। तकनीक क्या होगा, मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी के साथ, उपजाऊ मिट्टी के साथ तकनीक ये होगा कि हम उसकी जुताई करेंगे,
हम उसकी निराई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, उसमें बुआई करेंगे, फसलों की बीज बोएंगे, वो बीज की सिंचाई करेंगे, फसल की सिंचाई करेंगे, फिर जब फसल तैयार होगी उसकी कटाई करेंगे, उसकी पिटाई। जैसे आप देखते हैं अभी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, गेहूं के फसल ऑलमोस्ट तैयार होने वाले हैं, तो हम लोग उसकी कटाई करेंगे, उसके बाद जब उसके दाने निकाल लेंगे तो ये हमें क्या फ़ायदा हुआ, उपजाऊ मिट्टी से तकनीक के द्वारा। लेकिन ये सारा तकनीक, जुताई, निराई, गुड़ाई, कटाई, सिंचाई, ये सब किसने किया? इसके लिए हमें चाहिए संस्था। तो यहाँ संस्था कौन होगा? यहाँ संस्था होगा एक किसान, किसान का परिवार, या एक जनसमुदाय जो कि निरंतर नियमित रूप से इस कृषि की प्रक्रिया को, कृषि के तकनीक को इस उपजाऊ मिट्टी के द्वारा, जो कि हमें मिलता है कहाँ से, पर्यावरण से, तब ये जो अंतःक्रिया होगी, यानी ये संस्था, ये किसान कौन हुआ, मनुष्य हुआ, जो तीनों के साथ संबंध बिठा करके उस पदार्थ को क्या बना रहा है, संसाधन बना रहा है। अब ये आपको बहुत स्पष्ट है। अभी हम एक और उदाहरण दें, पर्यावरण में अभी क्या, हमें कोरोना का वायरस मिला, ठीक है, वायरस क्या हुआ, एक थ्रेट आया, एक समस्या आई, वायरस को कैसे तकनीक से हमने क्या बना दिया, उसको, उस वायरस से ही हमने उसका टीका विकसित कर लिया। ये किसने किया? आप अभी सुन रहे होंगे बहुत सी संस्थाओं का नाम, फाइजर कंपनी है और बायोटेक है, ये सारी संस्थाएं जो हैं, उन संस्थाओं ने, तो इसमें किसने ये भूमिका निभाई, पहचाना कोरोना वायरस को, मनुष्य ने, तकनीक विकसित किया किसने, मनुष्य ने, ये संस्थाओं में कौन है, कौन है जो इन संस्थाओं में काम कर रहा है एज एक्सपर्ट के रूप में, तो ये मानव है। और इस मनुष्य ने क्या किया, इस पर्यावरण में मौजूद उस कोरोना वायरस से तकनीक के द्वारा, संस्थाओं की मदद से, उसको टीका में परिवर्तित कर लिया। आशा करती हूँ अब आपको ये बहुत ही स्पष्ट है। चलिए बच्चों, तो अब आप ये समझ गए कि भौतिक पर्यावरण में जो पदार्थ है ये जैविक है, भौतिक है, उसके बाद मनुष्य ने तकनीक विकसित की, मनुष्य ने संस्थाओं का निर्माण किया, और इतना ही नहीं, इन सब के बीच मनुष्य क्या करता है, एक अंतःक्रिया करता है, एक अंतः संबंध बनाता है, इनको आपस में जोड़ता है, और फलतः ये जो पदार्थ हैं वो क्या बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि क्या सभी संसाधन एक ही तरह के होते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, सभी संसाधन एक तरह के नहीं होते हैं। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण। तो आइए बच्चों, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम संसाधनों का वर्गीकरण समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम चार आधार मानकर संसाधनों को वर्गीकृत करेंगे। पहला हमारा जो आधार बनता है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी संसाधन का स्रोत, संसाधन उत्पन्न कहाँ से होते हैं, प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो इस आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा गया है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है, बिल्कुल सही, अजैव संसाधन। अब उदाहरण हम समझते चले। जैव संसाधन, नाम से स्पष्ट है कि वो जीव जगत से या पादप जगत से हमें प्राप्त होता है, जंतु या पादप जगत से, जैसे जो भी अनाज है, जो भी मांस, मछली, ये सारा जो है पशुधन, ये सब क्या आएगा, जैव संसाधन। अजैव संसाधन में क्या आएगा, जो निर्जीव है, जो भौतिक है, पर्यावरण के भौतिक स्रोतों से जो प्राप्त होता है, मिट्टी है, जल है, हवा है, सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल सही। तो ये सारा जो है वो अजैव संसाधन। तो क्लियर है, पहला आधार उत्पत्ति, इसके आधार पर दो वर्ग में बांटते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा आधार वर्गीकरण का जो हमने यहाँ पर लिखा है वो है उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। आप अपनी पाठ्यपुस्तक को जब देखेंगे तो उसमें आपने ये देखा होगा कि नवीकरणीय को पुनः दो उपविभाग किए गए हैं। पहला क्या है, सतत या प्रवाह संसाधन, और दूसरा जैव संसाधन, ठीक है। फिर जैव यहाँ पे आ जाएगा, पादप और जंतु। अब यहाँ सतत को समझ लेते हैं। सतत में क्या होगा, जैसे जल है, पानी है, वो सतत रूप से हमें प्राप्त होता है, हवा है, वो बिना रुके हुए निरंतर लगातार
सूर्य का प्रकाश, वो भी क्या है, आज हुआ, फिर कल सुबह होगी, फिर हमें सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो ये हो गया सतत नवकरणीय संसाधन। जैव दो भाग, क्या है, पादप और जंतु, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अनवीकरणीय की। अनवीकरणीय को भी दो उपविभाग किए जाते हैं पाठ्यपुस्तक के अनुसार। पहला क्या है, पुनः चक्रीय, यानी जिसको रिसाइकिल किया जा सके, और दूसरा क्या है, समाप्य संसाधन। तो पुनः चक्रीय में क्या आएगा, जितने भी धात्विक खनिज हैं वो सब क्या है, हम उसको रिसाइकिल करके फिर से उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, तो इसलिए यह पुनः चक्रीय हो जाएगा। और समाप्य संसाधन मतलब एक बार के बाद हम उसका दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो भी जीवाश्म ईंधन है वो उसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जिस कोयला को हमने एक बार उपयोग में लाया उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ तक स्पष्ट है। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे आधार की। तीसरा आधार क्या है, स्वामित्व के आधार पर, यानी ओनरशिप के आधार पर, कि संसाधन किसके स्वामित्व में है। तो इसके आधार पर संसाधनों के कितने भाग किए गए हैं, बिल्कुल सही, चार भाग। ये आप ध्यान रखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने वर्ग हैं, उपयोगिता के आधार पर कितने वर्ग हैं, स्वामित्व के आधार पर क्या वर्गीकरण है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी। चलिए, तो स्वामित्व के आधार पर पहला वर्गीकरण जो है वो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय, और चौथा, बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत में क्या होगा, अब उदाहरणों की चर्चा हम लोग कर ले। तो व्यक्तिगत में होगा जो आपके निजी स्वामित्व में है, जैसे आपका अपना मकान, किसी व्यक्ति का अपना खेत, बागीचा, आपकी गाड़ी, आपकी साइकिल, ये जो है वो है आपका व्यक्तिगत संसाधन। अब दूसरे आप पर आते हैं, सामुदायिक, नाम से ही स्पष्ट है क्या है, इसका स्वामित्व किसके पास होता है, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता है, ये होता है समुदाय के स्वामित्व के अंतर्गत, जैसे मंदिर, मस्जिद। पटना का गांधी मैदान किसका है, उसको किस वर्ग में रखेंगे, उसको इसी वर्ग में रखेंगे, ये सामुदायिक है, वो सभी के लिए है, समान रूप से उपलब्ध है। तो आप समझ गए, सामुदायिक संसाधन। अब तीसरा वर्गीकरण, राष्ट्रीय संसाधन। तो जब हम किताब में देखेंगे तो आपके पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत आने वाला हर संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो सड़कें हो, या फिर हमारी अपनी जो संपत्ति है उसको भी यदि राष्ट्रहित में ज़रूरी होगा तो ऐसे कानून हैं कि सरकार उन्हें अधिग्रहित करती है। आपने सुना होगा कि जब सड़कें बनती हैं तो किसी का खेत सरकार क्या करती है, ले लेती है, और उसके बदले में उसे मुआवजा मिलता है, उसे पैसा दिया जाता है। तो राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन में हमने बात किया कि राज्य की, राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत आने वाले संसाधन तो समझ गए। अब समुद्र की क्या कहानी है, तो समुद्र के लिए मैं बात कर रही हूँ कि 1982 में, यानी 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, हम लोग जानते हैं, परिचित हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से, जिसे हम UNO भी कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सम्मेलन आयोजित किया, एक कन्वेंशन आयोजित किया, और उसका नाम था लॉ ऑफ सी। उसमें ये तय किया गया कि किसी भी राष्ट्र के, XYZ कोई भी देश हो, उस देश की तटरेखा, आप मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर तटरेखा दिखाई जा रही है, तो तटरेखा से 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल क्या होता है, हम लोग थोड़ा यहाँ समझ लें, नॉटिकल माइल समुद्री दूरी को, जैसे हम लोग स्थल की दूरी को किलोमीटर्स में या माइल में नापते हैं, तो उसी तरह से समुद्र की दूरी को किस चीज़ में नापते हैं, नॉटिकल माइल में। तो कहाँ तक, 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी को क्या कहा गया, उसे नाम दिया गया अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या नाम दिया गया,
अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, तो 200 नॉटिकल माइल तक क्या जो समुद्री सीमा है वो उस राष्ट्र को विशेषाधिकार होगा कि वो उसका उपयोग, उसमें 200 नॉटिकल माइल तक के संसाधनों का उपयोग वो एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके जो समुद्री संसाधन है उसका उपयोग वो अपने आर्थिक विकास के लिए कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, राष्ट्रीय संसाधन कहाँ तक, तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक, इसको कहा गया अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है? ठीक है, अब आइए चौथे विभाजन पे आते हैं, और चौथा विभाजन है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसी एक देश का नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय है, यानी इस पर सभी देशों का अधिकार है, और इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो देखभाल है, रख रखाव है, ये कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। तो ये इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो 200 नॉटिकल माइल तक तो आ गया राष्ट्रीय संसाधन, 200 नॉटिकल माइल के बाद जो समुद्री सीमा है वो आती है अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप जितना भी अन्वेंशन, खोज, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसकी देखभाल करती हैं उनसे आपको अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। आपने सुना होगा कि एंटार्क्टिक जो महादेश है उस महादेश पर विभिन्न देशों ने अपना अपना रिसर्च सेंटर खोल रखा है, और वो लोग वहाँ पर पृथ्वी और अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारी खोजें करते हैं। तो वो क्या हुआ? वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हुआ। आइए बच्चों, अब हम चौथे आधार की बात करें, तो चौथा जो हमारा संसाधन के वर्गीकरण का आधार है वो है विकास। विकास के आधार पर हम देख सकते हैं संसाधनों को पुनः चार भागों में बांटा गया है। पहला है संभावित संसाधन, जिसे हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्स। तीसरा संचित कोष संसाधन, रिजर्व्स। और चौथा भंडार या स्टॉक। एक एक करके हम इनकी चर्चा करेंगे। पोटेंशियल, नाम से ही स्पष्ट है कि ये संभावित रिसोर्स है, संभावना है, यानी अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये मौजूद है पर्यावरण में, ये संसाधन मौजूद होते हैं, लेकिन वर्तमान में इनका उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मुख्यतः ये जो तकनीक अब तक हमारे पास हैं उन तकनीकों के आधार पर यदि हम इनका विदोहन शुरू करें तो ये आर्थिक रूप से क्या होगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, यानी लागत ज़्यादा आए और उससे जो प्राप्त परिणाम है वो कम हो, तो क्या करेंगे हम? वैसे संसाधनों को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो इससे हम कहते हैं, लेकिन वो हैं, मौजूद हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संभावित संसाधन। उदाहरण हम ले तो हम कह सकते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र का खनिज है, हम जानते हैं कि हिमालय में बहुत सारे, हिमालय का जो पर्वतीय इलाका है वहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि या तो वो बहुत गहराई में है या बहुत ही दुर्गम इलाके में है। समझ गए? चलिए, अब दूसरा जो वर्गीकरण है उसमें है विकसित संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिनका हम विकास कर चुके हैं, जिनके गुण के बारे में, जिनकी मात्रा के बारे में हमें पूर्ण जानकारी है और हम उसका वर्तमान में उपयोग भी कर रहे हैं। जैसे झरिया का कोयला, सभी कोई जानते हैं कि वहाँ से कोयला का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। गुजरात में खंबात की खाड़ी है, वहाँ से तेल का उत्पादन होता है। कर्नाटक में बेल्लारी से लौह अयस्क का उत्पादन। तो ये सब क्या है? विकसित संसाधन। तो बच्चों आप समझ गए कि संभावित संसाधन क्या है, विकसित संसाधन क्या है। अब हम तीसरे वर्ग के बारे में, यानी संचित कोष संसाधन के बारे में जानेंगे कि ये है क्या। नाम है संचित कोष, यानी ये संचित है, हम इसका वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ये रिजर्व है। ठीक है, तो ये क्या है? ये वस्तुतः ये जो स्टॉक है ना, भंडार, उसी का एक अंश होता है संचित कोष। ठीक है, ये क्या होता है? इसका एक
अंश होता है, स्टॉक का एक अंश होता है रिजर्व्स, भंडार का एक अंश होता है संचित कोष, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि भंडार का वो हिस्सा जिसको कि हम एक जुडिशियस थिंकिंग के तहत, बड़ी सोची समझी विचारधारा के तहत इसको क्या करते हैं, इसको रखते हैं किस लिए, रिजर्व कर लेते हैं, किस लिए, भविष्य के लिए, ताकि जब भविष्य में हमारा विकसित संसाधन कम पड़ने लगेगा, हम इसको नहीं यूज कर पाएंगे, तब हम संचित कोष संसाधन का इस्तेमाल करेंगे अपने जरूरत के हिसाब से, भविष्य की जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं संचित कोष, जो कि एक भाग होता है किसका, भंडार का। उदाहरण हम यदि दें तो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत की जो संभावना है जल विद्युत उत्पन्न करने की, वो करीब 1,45,000 मेगावाट की है, लेकिन अभी तक भारत ने जो विकसित किया है वो लगभग 45,000 मेगावाट, यानी कुल मात्र कितना प्रतिशत हमने किया है, 31.44, वो हमने क्या कर लिया है, रिजर्व से निकाल करके उसको हम डेवलप्ड कैटेगरी में ले गए हैं। तो यहाँ पे जब 31% विकसित कर लिया है, यानी हमारा जो बाकी का हिस्सा है वो क्या है, वो हमारा संचित कोष संसाधन है, और वो अभी किस रूप में है, नदियों के जल के रूप में, नदियों में है या जहाँ जहाँ भी डैम्स बनाए गए हैं उन डैम्स में वो जल राशि किस रूप में संचित है, तो ये रिजर्व रिसोर्स के रूप में, संचित कोष संसाधन के रूप में संचित है, स्पष्ट है। अब चौथा जो वर्गीकरण है वो है भंडार, नाम से ही है, हमारे घरों में भी स्टॉक होता है ना, तो वैसे ही ये पर्यावरण में उपलब्ध संसाधन होते हैं जिनके प्रयोग को हम अभी, जिनका उपयोग हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम, हमारे पास उसके लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है। तो तकनीक नहीं है और हम संसाधन का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमारा संसाधन वेस्ट हो जाएगा, हमको उससे उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो वैसे संसाधनों की हम पहचान तो कर लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल शुरू नहीं करते हैं, और वो भंडार के रूप में, स्टॉक के रूप में पहचाना जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि हमने विभिन्न आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण किया, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। आशा करती हूँ आपको ये वर्गीकरण उदाहरण के माध्यम से भली भांति समझ में आया होगा, और जब आप घर जा कर के एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो ये और भी अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। Mm-hmm.
हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेलन होता क्या है। तो दोस्तों, आप सभी ने पानी की बॉटल देखी होगी और आपके घर में खाना पकाने वाला जो गैस का सिलेंडर है वो देखा होगा और उस आकार की काफी सारी चीजें देखी होंगी। ये सभी बेलन आकार की होती है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बेलन के बारे में कुछ चीजों को जानेंगे। दोस्तों, इस बेलन को देखिए, जिसकी ऊंचाई h है और ऊपरी और निचली पृष्ठ वृत्ताकार है। चलिए अभी इन वृत्त को साइड में रखते हैं, अलग रखते हैं। ये जो हिस्सा बच गया है इस बेलन का, इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो इस वक्र पृष्ठ के अगर हम इस लंबाई को देखेंगे तो आप बता सकते हैं क्या कि ये क्या है? ये उस वृत्त की परिधि है जिसका मान 2 पाई आर होता है। अब अगर हम इस वक्र पृष्ठ को इस प्रकार काटते हैं और इसे खोलते हैं तो ये किस आकार का हो गया? जी हां, ये एक आयत है। और इस आयत की लंबाई क्या होगी? जो उस वृत्त की परिधि थी, यानी 2 पाई आर। और इसकी चौड़ाई क्या होगी? जो उस बेलन की ऊंचाई थी, जी हां, h। तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई गुने में उसकी चौड़ाई, यानी l into b। तो यहां पे इसकी लंबाई जो है वो है 2 पाई आर और इसकी जो चौड़ाई है वो है h, यानी कि उस बेलन की ऊंचाई। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो निकल के आता है लंबाई गुने में चौड़ाई, जो हमें बताता है 2 पाई आर गुने में h। तो ये जो 2 पाई आर गुने में h निकल के आया है, ये उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब चलिए दोस्तों, हम इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले इन दोनों वृत्तों को भी यहां लाना होगा। अब दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं क्या कि इस वृत्त का जिसकी त्रिज्या r है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो किसी भी वृत्त का जिसकी त्रिज्या r हो उसका क्षेत्रफल होता है पाई गुने में r का वर्ग। तो अब यहां पे अगर हम इस बेलन को देखें तो इस बेलन में तीन चीजें हैं हमारे पास। एक ऊपरी पृष्ठ जो एक वृत्त है, निचली पृष्ठ जो एक वृत्त है, और बीच का आकार। तो बीच के आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है, जो है 2 पाई आर गुने में h। और ऊपरी और निचली पृष्ठ का त्रिज्या है r, तो इसका क्षेत्रफल हमें पता है कि पाई गुने में r का वर्ग होगा। तो अब चलिए, अब अगर हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो हम दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला था, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो वो एक बेलन बन जाता है। तो वो हमें दे देगा उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों, वृत्त का जो क्षेत्रफल हमें निकल के आया वो है पाई गुने में आर का वर्ग, जोड़ बीच का हिस्सा जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो है 2 पाई आर गुने में h, और नीचे वाला पृष्ठ जो कि फिर से एक वृत्त है जो कि है पाई गुने में r का वर्ग। अब अगर हम तीनों को जोड़ें तो हमें निकल के आएगा 2 पाई आर गुने में h प्लस 2 पाई आर का वर्ग। अब अगर हम इसमें से 2 पाई आर को उभयनिष्ठ कर दें तो हमें ब्रैकेट में बचेगा r प्लस h, यानी किसी भी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जो निकल के आएगा वो आएगा 2 पाई आर गुने में r प्लस h। आशा करता हूं आप लोगों को बेलन के बारे में समझ आया होगा और आप लोग अब जो भी चीज देखेंगे बेलन के आकार की, उसके बारे में आप और जान सकेंगे, या फिर उसकी अगर आपको ऊंचाई और वृत्त का त्रिज्या पता हो तो आप उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रोचक विषय के साथ।
डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे दो गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और दो गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड मानक, Inspiring Innovators of Tomorrow. ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।